हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिना झंझट के सिर्फ 10 मिनट में बना के रेडी कर सके ऐसी भरवा भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये सब्जी बहुत ही आसानी से बन जाती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करे, शेयर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बनाना शुरू करते हैं एकदम टेस्टी और चटपटी भरवा भिंडी की सब्जी। 350 ग्राम मीडियम साइज की भिंडी ली है। भिंडी खरीदते टाइम ये याद रखना है कि भिंडी थोड़ी सी छोटी साइज की और एकदम कौली भिंडी हमें लेना है। पीछे की डंडी को इस तरह से तोड़ के देखना है, ये आसानी से टूट जाए वैसी भिंडी हमें लेना है, तो ये एकदम जल्दी से कुक हो जाएगी। भिंडी को दोनों साइड की डंडी हमें निकाल देना है। भरवा भिंडी बना रहे है तो इस तरह से दोनों साइड की डंडी निकाल के बीच में एक कट लगाना है। इस तरह से कट लगा के देख लेना है के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है और भिंडी सड़ी हुई तो नहीं है। इस तरह से सभी भिंडी को एक कट लगा के अंदर देख लेना है। भिंडी को कट करने से पहले पानी में नमक डाल के भिंडी को पानी में डुबो के रखना है 5 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर लगा हुआ डस्ट सारा निकल जाए। फिर इसे मसल के पानी में से निकाल लेना है और एक बार साफ पानी से इसे धो के कपड़े से अच्छे से पोंछ के लेना है। इसके बाद ही हमें भिंडी को कट करना है। इस तरह से भिंडी पे भरने के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। 2 टीस्पून सौंफ को मिक्सर जार में डाल के रफली पाउडर बनाया है, इसे बाउल में डाल देंगे। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी तिक्खी नहीं रहती है, इसके लिए मैंने 2 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डाला है और ये 1/4 टीस्पून या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 3/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून में 1/2 टीस्पून कम रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मसाला अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये मसाला हम भिंडी में भर लेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा मसाला अंदर भरना है। इस तरह से सभी भिंडी में मसाला भर लेते हैं। भिंडी में मसाला भर के रेडी कर लिया है। 1 चम्मच जितना मसाला रह गया है इसे हम भिंडी के ऊपर डाल देंगे। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल को धुआं निकले तब तक गरम कर लेते हैं। सिर्फ 1 पिंच नमक डाल के इसे गरम करेंगे। तेल को बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि हमने भिंडी के अंदर बराबर से नमक डाल दिया है। तेल को धुआं निकले तब तक गरम कर लिया है। गैस ऑफ कर देंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेते हैं। गैस चालू कर देंगे। भिंडी हम तेल में डाल देंगे, धीरे से चलाएंगे हल्के हाथ से, ताकि मसाला भिंडी में से बाहर नहीं निकल जाए। इसी तरह से हम भिंडी को कुक करेंगे तो मसाला जो है वो जल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1/4 कप पानी को हम साइड से डालेंगे। बीच में पानी नहीं डालना है, कढ़ाई में एकदम किनारे से डालेंगे साइड से, इस तरह से ढक्कन लगा देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक कर लेते हैं, ताकि भिंडी जो है वो अच्छे से पक जाए। इसे मैंने धीमी आंच पे 7 मिनट के लिए कुक किया है। अभी हम इसे चला लेंगे। मसाला बचा था ये डाल देंगे ऊपर इस तरह से। अभी हम इसे खुला ही कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे खुला ही कुक किया है। देख लेते हैं भिंडी कुक हो गई है कि नहीं। आप देख सकते हैं टूथपिक आसानी से अंदर जा रही है। भिंडी बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए और इसे कुक कर लेते हैं। इस तरह से हम भरवा भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाती है और बिल्कुल भी चिकनी नहीं रहती है, ये बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ती है, आप देख सकते हैं। गैस ऑफ कर देंगे। भरवा भिंडी की सब्जी रेडी है। एकदम आसान तरीके से बन जाए ऐसी एकदम टेस्टी और चटपटी भरवा भिंडी की सब्जी रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।